पुष्कर में बड़ा धार्मिक आयोजन, पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा 5 जुलाई से। कथा के सफल समापन के लिए पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना। सरोवर के परशुराम घाट पर दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना का हुआ आयोजन, साथ ही हुआ पोस्टर का विमोचन। दरअसल तीर्थ नगरी पुष्कर में आगामी 5 जुलाई से 11 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा का विशाल आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा उपस्थित भक्तों को कथा का रसापान कराएंगे। कथा के सफल आयोजन के लिए आज आयोजन समिति के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया। प्रवक्ता उमेश गर्ग ने बताया कि कथा आयोजक एवं शिव भक्त द्वारा ब्रह्म घाट के पास स्थित निम्बार्क मंदिर के नीचे पुष्कर के पवित्र सरोवर का पूजन व अभिषेक किया गया। पंडित रविकांत शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। पूजा अर्चना के बाद कथा तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। बैठक के बाद विधायक सुरेश रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, सुनील दत्त जैन, उमेश गर्ग ने कथा के पोस्टर का विमोचन किया। विधायक रावत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पुष्कर में होना बड़े सौभाग्य की बात है। रावत ने भरोसा दिलाया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और वे खुद 7 दिनों तक कथा का रसापान करेंगे। जुलाई मास में 5 तारीख से 11 तारीख तक पुष्कर की पावन धरा पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से शिव महापुराण का कथा होने वाली है। इस निमित्त आज यहाँ पर पुष्कर सरोवर पर दुग्धाभिषेक करके इस कथा का सफल होने की मंगल कामना की गई। बाद में सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने, धर्म प्रेमी बंधुओं ने उस कथा को व्यवस्थित, अनुशासित और पूरी धार्मिक भाव से संपन्न हो, इस निमित्त यहाँ पर विचार विमर्श किया, जिम्मेदारियां बांटी और अनेक प्रकार के कामों का बंटवारा आज की इस बैठक में किया गया। इस बैठक में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश जी रावत, पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष भाई कमल जी पाठक भी उपस्थित थे और उन्होंने भी अपनी ओर से इस कथा के सफल आयोजन में अपना अधिकतम प्रयास, श्रेष्ठतम प्रयास देने का इस कथा के आयोजनकर्ताओं को और पुष्कर की जनताओं को ये वचन दिया है, ये विश्वास दिलाया है। माननीय सुरेश जी, आपने इस पूरे कथा के दरमियान, उन्होंने ये भी बताया कि मैं 7 दिन कथा स्थान पर पूरे समय रहूंगा, इस प्रकार का एक उन्होंने विश्वास इस कथा के आयोजनकर्ताओं को दिलाया है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से अजमेर महानगर और पुष्कर की सभी धर्म प्रेमी जनता को अपील करना चाहता हूं कि आइए इस 6 दिन के 7 दिन के इस महाकथा के महाश्रवण का साक्षी बने, भागी बने, धर्म लाभ कमाएं। और जैसे प्रदीप मिश्रा जी के बारे में प्रचलित है कि न केवल वहां के स्थानीय बल्कि अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु वो 7 दिन सुनने आते हैं। सारी आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने तय किया है आने वाले एक भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करे और वो पूरे धार्मिक भाव से इस कथा का श्रवण करेगा, इस कथा का दृष्टिगोचर करेगा, इस प्रकार की भावनाओं से युक्त आज की ये बैठक यहाँ पुष्कर में संपन्न हो। विषय है कि 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जी है और उनको सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। पहली बार अजमेर और पुष्कर के अंदर उनकी कथा हो रही है तो पुष्करवासी और अजमेरवासी सभी हर्षोल्लास हैं। आज सब लोग मान्य सुनील जी भाई साहब भी आए, सब लोग आए और इस पर कई दिनों से काम चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। तो हमारा सबका है कि सभी लोग मिलकर जो बाहर से श्रद्धालु आए कथा सुनने आए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और वो आए तो उनको सारी सुविधाएँ मिले और एक अच्छा संदेश आए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग, हमारा सौभाग्य है कि वो पुष्कर बना रहे हैं।